जैसे एक एमएलए की, एक एमपी की, एक सीएम की, एक पीएम की एक आचार संहिता, एक मर्यादा होती है, एक उसका प्रोटोकॉल होता है, एक उसका कैरेक्टर होता है, ऐसे ही साधु का भी एक चरित्र होता है। वस्त्र से कोई साधु नहीं बनता है, चरित्र से साधु बनता है। साधु की मर्यादा का जो अतिक्रमण करेगा वो जेल में भी जाएगा। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को फांसी के फंदों पर लटकाना चाहिए, चौराहों पर, जो साधु हो करके साधु भेष को, सन्यासियों की परंपरा को कलंकित करते हैं। इसलिए इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। और जितने भी मतपंथ संप्रदाय हैं उनके आचार्यों का ये कर्तव्य है कि अपने अपने मतपंथ संप्रदाय की शुद्धि करें, जिसको चाहे उसी को दीक्षा दे दें, ये ठीक नहीं। हमने भी सन्यासियों को दीक्षा दी है, लेकिन हमारा सन्यासी चरित्रवान है, विद्वान है, और उसकी नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ऐसे ही सब संप्रदायों के गुरुओं को अपने सन्यासियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं उनकी चरित्र की। ऐसे काला धन के लिए सरकार काम कर रही है और काले मन के लिए हम काम कर रहे हैं, तो काला मन भी ठीक और काला धन भी ठीक। भैया हम कम ज्यादा नंबर नहीं देते, हम तो कहते हैं सब अच्छे नंबरों से। तीन उपलब्धियां, तीन माइनस पॉइंट क्या मानते हैं? उपलब्धियां मैं बता देता हूँ, माइनस पॉइंट आप सोच रहे हैं। आप भाई आप जानते हैं कि जो आपके अनुसार अभी तक कई चीजें लागू नहीं हो पाई, तो उनको मानते हैं कि नहीं हो पाई? देखो ऐसा है, हम राजनीतिक रूप से सर्वदलीय और निर्दलीय हैं, इसलिए हम इन चीजों को इसमें जोड़ना नहीं चाहते। और अपने सभी कांग्रेस सहित जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, उनके भी बंधुओं को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कि सब आइए, योग एक गैर राजनीतिक अनुष्ठान है, ये अपने पूर्वजों की विरासत है, इस पर कोई सियासत ना हो। इसलिए मैं किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहता हूँ, आप मुझे क्षमा।